नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान की। यदि आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यदि आप किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो और साथ ही साथ कंपटीशन के लिए मैथ्स के वीडियो डालते रहेंगे। और जैसे हम लाइव क्लास लेते हैं तो हम बाकी जीएस और रीजनिंग भी शुरू कर देंगे। फिलहाल हम बात करें जीव विज्ञान की। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत 5 यूनिट है, उसमें से फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे हम। फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर है और उसमें पहला चैप्टर लेते हैं हम, अध्याय 1। अध्याय का नाम है जीवों में जनन। देखेंगे हम बारी बारी से सबको, आप पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। तो जनन नाम से स्पष्ट है, जनन किसको कहते हैं। कोई भी जीव जो होता है, कोई भी जीव अपने समान जो संतान उत्पन्न करता है उसको क्या बोलेंगे, जनन। तो जनन की परिभाषा, सबसे पहला शब्द क्या आएगा अपने पास, जनन। जनन, तो जनन की परिभाषा लिखेंगे हम, अपने समान संतान उत्पन्न करना। संतान को ही संतति भी कह सकते हैं हम। उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। या फिर इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अपने समान संतान को ही हम क्या बोल रहे हैं, संतति भी बोल रहे हैं। उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि जनन किसको कहते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया या अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन मानव में होता है, जनन बाकी अन्य जीवों में भी होता है। तो जनन की परिभाषा हो जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। उसके बाद एक शब्द आता है यहां पर हमारे पास, जीवन अवधि। तो क्या होता है जीवन अवधि या जीवन अवधि। सिंपल है, जीवन अवधि या जीवन अवधि, कोई भी जीव जन्म लेता है, उसके बाद में जीवन का गुजारा बसारा यानी कि जीवन का विकास होता है, उसके शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है और कुछ स्टेज के बाद, कुछ सालों के बाद वो जीव मर जाता है। सबका जीवन काल अलग अलग होता है, जीव जंतुओं का अलग होता है, मनुष्य का अलग होता है, कीड़े मकोड़ों का अलग होता है, तो सबका अलग अलग जीवन काल होता है। और जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो बीच का जो समय होता है उसको बोलेंगे जीवन अवधि या जीवन अवधि। तो इसकी परिभाषा हम लिखें, जीवन अवधि किसी भी जीव के जन्म से लेकर
जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि या जीवन अवधि कहलाता है। जीवन अवधि समझ में आ गया होगा। जैसे कोई जीव जंतु अगर 10 साल जीता है तो उसका जीवन अवधि कितना हो जाएगा? 10 वर्ष का हो जाएगा। अगर मानव की बात करें तो कोई 60 साल जीता, 50 साल जीता, 80 साल जीता है। अगर 60 साल जीता है तो उसका जीवन अवधि कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। अगर 50 साल जीता तो उसका जीवन अवधि कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन अवधि किसको बोलेंगे? किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। इसको अच्छे से लिख के नोट से बना लेना, हम पढ़ते जाएंगे इस तरह से। अब आगे बात करें हम, ये जीवन अवधि की बात हो गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। चलिए, इतनी बात क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखें, अब बात कर रहे हैं हम जनन की। अब बारी बारी से हम डीपली चलते चले जाएंगे कि अब बारी आती है जनन की बात करें। तो जनन दो प्रकार के होते हैं, जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन के प्रकार, जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब, अलैंगिक जनन उस जनन को कहते हैं जिसमें केवल एक लिंग की आवश्यकता होती है, उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। या एक प्रकार का जनन की आवश्यकता होती है उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे हमारा जन्म हुआ तो हमारा जन्म जो हुआ है वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के तहत हुआ है, जिसमें नर और मादा दो प्रकार के जनक की आवश्यकता होती थी। तो हमारा जन्म जो हुआ है, हमारा जन्म किस प्रक्रिया के तहत हुआ है? लैंगिक जनन के तहत। और अलैंगिक जनन में केवल एक प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है, जैसे एक प्रकार के जनक यानी कि जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे जो समुद्र के जीव होते हैं वो जीव कौन सी प्रक्रिया के तहत बनते हैं? अलैंगिक जनन के तहत। अलैंगिक जनन प्रक्रिया के तहत वो जन्म लेते हैं वो जीव। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे हम कि अलैंगिक जनन किस किस प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। अलैंगिक जनन में जैसे छिपकली है, छिपकली का उदाहरण आता है अपने पास। छिपकली में इतनी क्षमता थोड़ी सी कम होती है, जिसको पुनरुद्भवन की क्षमता कहते हैं। खैर, सिर्फ इतना याद रखना, बाकी हम डिटेल आगे अगले पार्ट में बात करेंगे। अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या हो जाएगी? इस प्रकार के जनन में केवल एक प्रकार की जनक की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं।
इतना लिखने के बाद में हम फिर से डालेंगे, क्या डालेंगे, फिर से अलैंगिक जनन। पहले पॉइंट के बारे में बात करें हम, जनन के प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में केवल एक प्रकार के जनन की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलेंगे हम, अलैंगिक जनन। और हाँ, ये जो जनक होता है, जनक मतलब जन्म देने वाला, वो जनक केवल एक ही प्रकार का होता है, और ये होता है मादा, मादा जनक होता है। कौन होता है, मादा। नर जनक अकेला किसी भी जीव को जन्म नहीं दे पाएगा, मादा जन्म, नर सॉरी मादा भाग होता है अलैंगिक जनन में। हम आगे डिटेल पढ़ेंगे इसका, फिलहाल इतनी बात करें। आगे इसकी बात करें तो अलैंगिक जनन में, जैसे मान लो एक जीव है, ये जनक है, और इस जीव से दो नए जीव बनते हैं, ऐसे मान लिया ये और ये दो संतान बनी, ये जनक था और ये क्या है, संतान है, ये वाली संतान और ये वाली संतान। हो सकता है कि चित्र में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, एक जैसा ना हो, पर आप लोग जब बनाओ तो एक जैसा बनाना, ये वाला और ये वाला एक जैसा बनाना, अभी तो स्पष्ट दिख रहा है, हालांकि एक जैसा ही बनाया मैंने, कोशिश ये करी कि एक जैसा बने। तो ये और ये दोनों संतान आपस में एक समान होती है, हूबहू समान होती है, और ये दोनों संतान आपस में समान होती है, इन समान संतान को क्लोन कहते हैं। ये प्रश्न बनता है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली समान संतान या अलैंगिक जनन में समान संतान को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में जो समान संतान उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों आपस में समान होती है, और साथ ही साथ दोनों तो आपस में समान होती होती है, लेकिन ये जनक के समान भी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है क्लोन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन में उत्पन्न समान संतान को क्लोन कहते हैं। फिर अगर क्वेश्चन आता है कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, क्योंकि दोनों संतान आपस में समान होती हैं, तथा साथ ही साथ अपने जनक के समान भी होती है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको उतार लें इतना, फिर हम आगे देखें।
अब हम बात करें लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में, नाम से स्पष्ट है, लैंगिक जनन में दो प्रकार के जनक की आवश्यकता होगी, दो प्रकार के लिंग की आवश्यकता होगी। अलैंगिक जनन, सॉरी अलैंगिक की बात हो गई, अब दूसरा पॉइंट अपने पास लैंगिक जनन। लैंगिक जनन लैंगिक जनन परिभाषा क्या हो जाएगी इसमें? इस प्रकार के जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, या इस प्रकार के जनन में दो विपरीत प्रकार के जनकों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में जो समान संतान उत्पन्न होती है वो समान नहीं होती है और थोड़ी सी भिन्नता होती है उनमें, इसलिए उनको उनमें क्लोन मतलब उनमें समानता नहीं पाई जाती, मतलब क्लोन जो होता है वो केवल और केवल अलैंगिक जनन में होता, लैंगिक में नहीं होता है। हमने जो अलैंगिक जनन में जो चित्र बनाया था उसमें इस तरह से दो चित्र बने थे, उसके नीचे हमने लिखा था होगा क्लोन, तो जो क्लोन है उसके साइड में क्या लिख लोगे? समान संतान, और क्लोन हमने लिखा था, तो क्लोन लिख रखा उसके पास में कहीं पे भी लिख लेना समान संतान, इस तरह से जो चित्र बनाया था उसमें। अब लैंगिक जनन की बात कर रहे थे हम, तो लैंगिक जनन की परिभाषा क्या हो जाएगी? इसमें कितने जनकों की आवश्यकता होती है? दो विपरीत प्रकार के जनकों की आवश्यकता होती है, या फिर यूं कहें कि दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में क्या होगा? लैंगिक जनन में दो विपरीत प्रकार के जनकों की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, उसमें से दो जनक होते हैं, उसमें से एक होता है नर जनक और एक होता है मादा जनक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखें कि नर जनक क्या होता है और मादा जनक क्या होता है। चलिए, तो हमने लैंगिक जनन की परिभाषा लिखी, उसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, उसमें से एक जनक को नर कहते हैं और एक को कहते हैं मादा। अब ध्यान से देख लेना इस चित्र को, यही चित्र आपको बार 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 आएगा आपके परीक्षा में, चाहे आप 12वीं पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल किसी भी क्लास में हो, लेकिन आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। लैंगिक जनन में दो लिंग होते हैं, उसमें से एक भाग होता है नर भाग और एक भाग होता है मादा भाग। नर भाग को हम पुरुष कह सकते हैं और इसको महिला कह सकते हैं, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। नर भाग से नर युग्मक बनता है और मादा भाग से मादा युग्मक बनता है। नर भाग से
नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक बनता है और मादा भाग से मादा युग्मक बनता है। अब कैसे बनता है उसकी बात भी हम करेंगे आगे जाके। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। जब जनन की प्रक्रिया होती है तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, जब जनन की प्रक्रिया होती है तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं और यहां पर जो बनता है उसको युग्मनज कहते हैं, युग्मनज। इंग्लिश में इसको जायगोट कहते हैं। युग्मनज यानी कि भ्रूण बनेगा, युग्मनज बनेगा, शिशु बनेगा, युग्मनज, इसको इंग्लिश में जायगोट जायगोट कहते हैं। इसी को हम शिशु भी कह सकते हैं या भ्रूण कह सकते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु या नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद में ये क्रिया करते आपस में और उसके बाद में एक भ्रूण का निर्माण करते, एक संतान का निर्माण करते हैं जिसको शिशु कहेंगे या भ्रूण कहेंगे। यही भ्रूण या यही शिशु विकसित होता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में वो संतान बन जाता है, पहले तो युग्मनज बनेगा। इसमें टू एन याद रख लेना, टू एन याद रख लेना। अब टू एन का मतलब क्या होता है वो भी हम समझेंगे। इसमें गुणसूत्र होते हैं 46, इसमें भी गुणसूत्र होते हैं 46, तो ये सब बाद में देख लेंगे हम, पर इतना चित्र आपको बनाना पड़ेगा, इतना चित्र आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में हम आगे जब बढ़ेंगे तो सारी प्रक्रियाएं करते चले जाएंगे। नरयुग्मक मादा युग्मक दोनों मिले, नरयुग्मक और मादा युग्मक मिले, यहाँ पे बनी संतान या नया शिशु बना, युग्मनज बना। फिर यही युग्मनज बड़ा होता है, विकसित होकर एक नया संतान बन जाता है, और जो नई संतान बनती है, नई संतान बनती है तो नई संतान में भिन्नता होती है, भिन्नता होती है। नई संतान में क्या होता है, भिन्नता होती है उसमें। ये ऐसा एक जैसे बच्चे नहीं होते सबके सब, अलग अलग होते हैं। कि जैसे मान लो कि मम्मी गोरी है और पप्पा सांवले हैं, और इनके इनका इनकी जो संतान उत्पन्न हुई है, हो सकता कि बड़ी वाली लड़की थी तो गोरी पैदा हो गई, छोटा उससे छोटा वाला लड़का था तो थोड़ा सांवला पैदा हो गया, हो सकता है। तो लड़की गोरी है, लड़का सांवला है, ऐसा भी हो सकता है कि लड़का गोरा और लड़की थोड़ी सांवली। तो मम्मी गोरी थी, जो गोरा पैदा होगा वो मम्मी के ऊपर जाएगा और जो सांवला वो पप्पा के ऊपर जाएगा। मतलब ये जो संतान बनी है वो दो जनकों से मिलके बन रही है, इसलिए इस बात की कतई गारंटी नहीं है कि हर संतान एक जैसी होगी। ऐसा हमने देखा भी है कि जैसे मान लो पापा के बाल घुंघरू है, थोड़े से मुड़े हुए हैं, और मम्मी के बाल अच्छे हैं, तो हो सकता कि उनकी जो संतान है, उनका जो बच्चा है, लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर उनके बाल थोड़े से घुंघरू है, इसका मतलब ये हुआ कि पापा के गुण उसमें ज़्यादा गए या उनका डीएनए ज़्यादा गया या उनकी जो पहचान है वो ज़्यादा गई। और अगर बाल सीधे हैं और मम्मी के बाल भी सीधे, मतलब मम्मी की तरफ गए, और ऐसे अपने यहाँ बोलते हैं कि ये तो पापा के ऊपर गया कि मम्मी के ऊपर गया, तो एक बच्चे के बाल घुंघरू है, दूसरे बच्चे के बाल घुंघरू नहीं है, मुड़े हुए नहीं है।
तो इससे स्पष्ट है कि दोनों बच्चे एक जैसे नहीं हैं। कौन से जनन में? अलैंगिक, सॉरी, लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में दो प्रकार के जनकों की आवश्यकता होती है, और इसीलिए इनमें जो संतान उत्पन्न होती है वो समान संतान नहीं होती है, संतान में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए क्लोन केवल, क्लोन यानी कि समान संतान केवल अलैंगिक जनन में ही उत्पन्न होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आज के रोज इतना ही। इससे आगे वाला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लें, और हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।